कि नेशनल मीडिया मुस्लिम्स के अंदर ये बात डाल दे कि कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है, उत्तर प्रदेश में अगर एसपी और बीएसपी के अलावा कांग्रेस मजबूती से सामने आती है तो फिर मुस्लिम वोट के बढ़ने का खतरा मीडिया दिखा रहा है, ये मुझे लगता है एक दुष्प्रचार है, उससे बचना चाहिए। यहाँ पे पूरी तरीके से सपा बसपा मजबूती के साथ लड़ने और दोनों के पास इतनी जबरदस्त अर्थमेटिक है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनका मुकाबला किसी भी व्यवस्था में करने के लिए, आप तीनों जो चुनाव हैं उसको देख लीजिए कि जहाँ पे 4.5 लाख वोट से गोरखपुर में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो जीते थे, लेकिन इस गठबंधन ने एक अनौपचारिक अलायंस ही किया और वो 4.5 लाख वोट से जीतने वाली पार्टी वहां पे हार गई। अगर 4.5 लाख वोट से जीतने वाली पार्टी हार रही है, सीट को हार रही है, तो जहां पे 10-20 हजार से पार्टियां जीती हैं, यहां पे 10-20 हजार 50 हजार से 1 लाख से पार्टियां जीती हैं, उनका क्या हाल होने वाला ये आप समझ सकते हैं। इसलिए माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि मनुवाद की जो गर्दन है वो उत्तर प्रदेश है। अगर आप गर्दन को ठीक से दबोच लेते हैं, गर्दन को ठीक से पकड़ लेते हैं, तो इसके हाथ पैर अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आप अपना कब्जा कीजिए तो फिर बाकी जगह पे ये अपने आप सत्ता को छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे लगता है कि गठबंधन ना सिर्फ दोनों पार्टियों के लिए, बहुजन समाज पार्टी और सपा के लिए, इसके नेतृत्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत की राजनीति के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर लोकतंत्र में कहा जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल को अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है और वो लंबे समय तक मिलती रहती है तो उसके अंदर तानाशाही तत्व डेवलप हो जाते हैं। अगर तानाशाही से बचना है, लोकतंत्र को स्थापित करना है, तो फिर विकल्प होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए और मजबूत विपक्ष होगा तो फिर सत्ता पक्ष पर भी कुछ अंकुश रहेगा। मुझे लगता है कि ये उसी प्रकार की प्रक्रिया है जहाँ पे अपने आप को लोकतंत्र मजबूत कर रहा है और सपा बसपा का गठबंधन शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में निभाने जा रहा है। जी।